गाइस थैंक्स फॉर ट्यूनिंग टू माय चैनल, माय नेम इज पारुल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी एक नया डाइट प्लान। वैसे ये डाइट प्लान कोई नया डाइट प्लान नहीं है, ये बहुत ही पुराना डाइट प्लान है जिसमें हमें ट्रेडिशनल फूड खाना होता है और इसके साथ साथ कुछ नए हेल्दी फूड्स भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और आपको मेन बात ये ध्यान रखनी होती है कि आप कब क्या खा रहे हैं। आप हेल्दी फूड्स को भी अगर गलत टाइमिंग पे लेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिट करने की जगह आपके लिए हार्म कर सकते हैं। तो इसीलिए उनकी टाइमिंग पे भी और उसको लेने के तरीके पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि आपको किस तरीके से उसको खाना चाहिए। तो इस डाइट प्लान में बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। बेसिकली ये कोई डाइट प्लान नहीं है, ये एक तरीका है, यानी कि दिस इज़ अ वे टू लिव अ हेल्दी लाइफ। मुझे ये डाइट प्लान इतना अच्छा क्यों लगा? मुझे ये डाइट प्लान इसीलिए इतना अच्छा लगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है और इसके साथ साथ आपको सारे रीजंस भी पता होते हैं कि आपको ये चीज़ अगर इस तरीके से लेनी है तो क्यों लेनी है, या फिर ये चीज़ अगर इस आपको इस टाइम पर नहीं लेनी है तो ऐसा क्यों है कि आपको इस टाइम पे नहीं लेनी है। अगर हम आयुर्वेदिक रूटीन की बात करें तो फिट ट्यूबर विवेक से ज़्यादा कौन अच्छे एक्सप्लेन कर सकता है। तो जब मैंने उनके वीडियोस देखे तो मुझे ये लगा कि उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है कि वो क्या कह रहे हैं और वो किस बेस पे कह रहे हैं। वो अक्सर अपनी बातों को पुरानी जो बुक्स हैं आयुर्वेदिक उस पर बताते हैं, या फिर वो भगवत गीता के बारे में भी बहुत नॉलेज रखते हैं। वो सब चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पुराने टाइम में हम उन चीज़ों को इस तरीके से क्यों खाते थे। बेसिकली इस डाइट प्लान में हमें अपना डाइट प्लान जो प्लान करना होता है वो होता है सनराइज और सनसेट के अकॉर्डिंग। यानी कि वो ये कहते हैं कि हमारी जो पेट की पाचन अग्नि है वो हमारी सनराइज़ के साथ साथ राइज करती है और सनसेट के साथ साथ वो स्लो हो जाती है, तो हमें उसी अकॉर्डिंगली खाना चाहिए। जैसे कि अगर आप ब्रेकफास्ट की बात करें तो वो ये कहते हैं कि जब आप उठते हैं उठने के 2 घंटे के अंदर अंदर आपको ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। और वो अगर लंच की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि आपको अपना लंच 12 to 2 के बीच में कर लेना चाहिए क्योंकि उस वक्त हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो इसी तरीके से उन्होंने हमें पीने की टाइमिंग भी एक्सप्लेन करी है कि हमें खाने के और पानी पीने के बीच में कितना गैप देना चाहिए, या फिर अगर हमें लंच खाना चाहिए तो उसका प्रॉपर तरीका क्या है। तो आइए अब डिटेल में इस डाइट प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि मैंने इस डाइट प्लान के अकॉर्डिंगली day 1 पर क्या क्या और कब कब लिया था। सबसे पहले बात कर लेते हैं उठने की। तो उनका ये मानना है कि हमें हमेशा सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन हम बहुत जल्दी अगर नहीं उठ पाते हैं, तो सपोज़ हम 6 o'clock उठते हैं, तो सबसे पहले उठते ही हमें कॉपर चार्ज वाटर पीना है। और उन्होंने ये भी बोला है कि ये आपको ब्रश करने से पहले पीना है क्योंकि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं और हमारे माउथ में जो सलाइवा होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए, तो इसीलिए हमें मॉर्निंग में ब्रश करने से पहले इस पानी को पीना है। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपना कॉपर का कोई भी बर्तन ले सकते हैं जैसे कि जग या फिर बॉटल, और आप उसको रात में फिल करके रख सकते हैं अपने बेड के साइड में। लेकिन ये ध्यान रहे कि आप उसको ज़मीन पर नहीं रखेंगे, अदरवाइज उसकी ग्राउंडिंग हो जाएगी। इट्स बेटर कि आप उसको किसी वुडन सरफेस पर रखें। तो मैंने रात को ही अपनी जो कॉपर की वाटर बॉटल थी मैंने उसको फिल कर लिया था, वो 1 लीटर की बॉटल है। ऑब्वियसली मुझे इतनी आदत नहीं है तो मैं सबसे पहले दिन पे ही एकदम से 1 लीटर पानी को नहीं पी पाई थी। मैंने उसमें से हार्डली 300 ml पानी ही पिया था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी थी कि मैं जितना पी सकूं मैंने इतना पिया था। उसके बाद फ्रेशन अप होने के बाद और ब्रश करने के बाद मैंने अपने घर का काम किया था क्योंकि ऑब्वियसली मुझे मॉर्निंग में जो अपने हाउस होल्ड चोर्स होते हैं वो कंप्लीट करने थे। लेकिन उनके अकॉर्डिंगली अगर आपके पास टाइम है तो आप उस वक्त एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो बेस्ट टाइम होता है एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने का। लेकिन मेरे पास अभी ये रूटीन सेट नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे पास सुबह इतना टाइम नहीं था। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपनी टाइमिंग को थोड़ा और अर्ली कर लूँ, जैसे कि अगर मैं 5 बजे उठ जाऊँ तब मेरे पास 5 to 6 की टाइमिंग फ्री होगी, तब मैं अपनी एक्सरसाइज मॉर्निंग में कर लूँगी। लेकिन मैंने एक्सरसाइज की थी, लेकिन मैंने वो एक्सरसाइज 11:30 करी थी अपने ब्रेकफास्ट के 2 to 2.5 hours के बाद। फिर इसके बाद वो ये कहते हैं कि 7 o'clock अपनी एक्सरसाइज करने के बाद आपको अपनी फर्स्ट मील लेनी है, और उसमें उन्होंने बोला है कि आपको एक बनाना लेना है। और उन्होंने ये भी बताया है कि ये मिथ है कि हम लोग ये मानते हैं कि बनाना जैसे जो फ्रूट होते हैं वो हमें वेट गेन में हेल्प करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर आप बनाना को ब्राउन शुगर के साथ लेते हैं तो वो आपको वेट गेन में हेल्प करेगा, लेकिन अगर आप उसको कट करके और उसके पील का जो आपका वाइट पोर्शन है उसको साथ में इंक्लूड करके और उसमें
थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड कर देते हैं तो वो आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा। तो मैंने ऐसा ही किया था, मैंने अपना बनाना थोड़े से पील जितना भी मैं उसमें से स्क्रैच कर पाई थी और उसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करके लिया था। हाँ, फर्स्ट डे था तो मुझे थोड़ा सा उसका जो टेस्ट है अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे हमेशा अपने फ्रूट विदाउट सॉल्ट, विदाउट चाट मसाला या फिर ब्लैक पेपर अच्छे लगते हैं। बट अगर वो हेल्दी है तो मैं उसको ज़रूर कंज्यूम करूँगी। इसके बाद उनका ये कहना है कि आप इसके बाद नहा धो सकते हैं या फिर जो भी आपका बाकी का काम है आप वो कर लीजिए, और 8 बजे के अप्रॉक्स आपको ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि जब मैंने अपना फर्स्ट मील लिया था जो कि थी बनाना, मैं उसको लेने में 7 o'clock से थोड़ा लेट हो गई थी। मैंने वो 7:25 के अराउंड लिया था अपना काम खत्म करने के बाद, इसीलिए मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी थोड़ा सा लेट लिया था 8 o'clock से। मैंने अपना ब्रेकफास्ट 8:30 के अराउंड लिया था। वैसे आप ब्रेकफास्ट में कुछ भी ले सकते हैं, जो भी हमारे हेल्दी ट्रेडिशनल फूड हैं, जैसे कि आप बेसन चीरा ले सकते हैं, आप उपमा ले सकते हैं, आप पोहा ले सकते हैं, इवन आप पराठा भी ले सकते हैं। लेकिन उस दिन मैंने अपने ब्रेकफास्ट में अप्पे बनाए थे तो मैंने वही लिए थे। मैंने 6 अप्पेज लिए थे क्योंकि आजकल मैं अपना पोर्शन थोड़ा और कंट्रोल कर रही हूँ। पहले मैं 7 to 8 अप्पेज लेती थी, उस दिन मैंने सिर्फ 6 अप्पेज लिए थे और इसको मैंने घर की बनी हुई ग्रीन चटनी के साथ खाया था। वैसे इस डाइट प्लान में आपकी जो टी है वो कहीं भी फिट नहीं होती है, लेकिन मुझे अभी चाय पीने की आदत है और मेरी कुछ दिनों से तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने उस दिन मॉर्निंग में टी ली थी, जो कि मैंने ली थी अप्रॉक्सीमेट 10 o'clock। वैसे आप अगर इस डाइट प्लान पे हैं और अगर आपको चाय की आदत नहीं है तो आप 11:30 के अराउंड अगर आपको भूख लग रही है तो आप कोई भी एक सीजनल फ्रूट खा सकते हैं। इसके बाद वो लंच की बात करते हैं, जो कि आपको लेना होता है 12 to 2 o'clock के बीच में लेना होता है। वैसे मैं नॉर्मली जो अपना लंच है वो 2 या 2:30 पे लेती थी, लेकिन मैंने इस डाइट प्लान में अपना लंच फिट करने के लिए अभी मैंने उस दिन 1:30 पे लिया था। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उसको 1 या फिर 12:30 के अराउंड ले लूँ। मैंने उस दिन अपने लंच में काले चने और राइस खाए थे। मैंने वाइट राइस लिए थे जिसका पोर्शन भी मैंने पहले के कंपैरेटिवली कम ही रखा था, लेकिन इसमें आपको वो सेमी ब्राउन राइस खाने के लिए कहते हैं, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ वाइट राइस ही हैं घर पे अवेलेबल, तो मैंने वही बनाए थे। और इसके साथ वो सैलेड इंक्लूड करने के लिए ज़रूर बोलते हैं, जो कि मैंने इंक्लूड की थी, और वो एक प्रॉपर तरीका बताते हैं कि आपको इसको लेना कैसे है। यानी कि सबसे पहले आपको अपनी सैलेड फिनिश करनी है, तो मैंने यही किया था। सबसे पहले मैंने अपना क्यूकम्बर फिनिश किया था, फिर मैंने अपने जो काले चने हैं और राइस वो खाए थे। वैसे वो इस डाइट प्लान में इसके बाद छाछ पीने के लिए भी कहते हैं, जो कि आपको नॉर्मली 3 tablespoons दही यूज़ करके बनानी होती है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चल रही है मेरे साइनस की वजह से, इसीलिए मैंने अपने लंच में उस दिन दही या फिर छाछ अवॉइड की थी। इसके बाद वो ये कहते हैं कि आपको जैसे कि ब्रेकफास्ट के बाद भी और लंच के भी 2 to 3 hours तक पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन उसके बाद आपको पानी ज़रूर पीना चाहिए। अगर आप ये देखें कि आपने मॉर्निंग में 1 liter लिया, फिर आप इसके बाद वो 2-3 glasses पियेंगे, फिर आप लंच के बाद 2-3 glasses पियेंगे, तो आपका जो प्लेन वाटर इंटेक है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाता है। वो ये कहते हैं कि आपको जितना हो सके संध्या से पहले यानी कि शाम से पहले पानी पी लेना चाहिए, आपको शाम के बाद पानी थोड़ा कम पीना चाहिए, उससे आपको ब्लोटिंग या फिर रात में अनइजीनेस कम फील होती है। लेकिन मैंने 1.5 hours के बाद पानी पी लिया था, क्योंकि मैंने छाछ नहीं पी थी इसीलिए मुझे बहुत प्यास लग रही थी, और आजकल गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो बहुत देर तक आप अपने आप को प्यासा भी नहीं रख सकते हैं, तो इसीलिए मैंने 1.5 hours के बाद 2 glasses पानी पी लिया था। फिर आती है इवनिंग स्नैक की टाइमिंग। उनके अकॉर्डिंगली आपको इवनिंग स्नैक जरूर इंक्लूड करना चाहिए, अदरवाइज आप डिनर में ओवरईट कर लेंगे ये सोचकर कि ठीक है आज तो हमें डिनर जल्दी ही करना है तो हमें इवनिंग स्नैक लेने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये गलत तरीका है, आपको इवनिंग स्नैक ज़रूर लेने चाहिए। और उन्होंने जो इसमें इंक्लूड किए हैं उसमें उन्होंने एक हर्बल टी इंक्लूड करी है, जिसके साथ वो 500 almonds भी लेने को कहते हैं। लेकिन जब सुबह मैंने अपना फर्स्ट मील लिया था तो मुझे आदत है कि मैं अपना जो 500 almonds और ब्लैक रेजन्स है सोक की हुई वो मैं मॉर्निंग में ही लेती हूँ, तो वो मैंने अपने बनाना के साथ ले ली थी, इसीलिए मैंने इवनिंग में ये चीज़ नहीं ली थी। और इवनिंग में उस दिन मेरे यहाँ अचानक से गेस्ट आ गए थे तो उनको कंपनी देने के लिए मैंने 1/2 cup चाय ली थी, जिसके साथ मैंने थोड़े से भुने चने खाए थे। फिर बात कर लेते हैं डिनर की। उनके अकॉर्डिंगली ये कहते हैं कि जैसे ही हमारा सनसेट हो जाता है तो हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है
वो बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है, और अगर हम उसके बाद खाना खाते हैं तो वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से हमें स्टमक से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हमें जितना हो सके सनसेट के आसपास ही अपना खाना मैक्स टू मैक्स 1 आवर के अंदर अपना खाना फिनिश कर देना चाहिए। इसीलिए मैंने उस दिन अपना डिनर बाकी दिनों के कंपैरेटिवली काफ़ी जल्दी लिया था। मैंने अपना डिनर 7:30 के अराउंड कर लिया था, और क्योंकि मैंने शाम को चाय पी थी 5:40 के अराउंड, तो मुझे ज़्यादा भूख नहीं थी, इसीलिए मैंने सिर्फ थोड़े से ही चने के साथ एक रोटी ली थी, लेकिन जल्दबाजी की वजह से मैं उसकी क्लिप लेना भूल गई थी। हमारे आयुर्वेद में रात को गर्म दूध पीने के बहुत सारे बेनिफिट बताए गए हैं, जैसे कि वो आपको डाइजेशन में अच्छे होते हैं, अच्छी नींद प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारे। तो उस दिन मैंने रात को गर्म दूध पिया था, मैंने गोल्डन मिल्क लिया था जिसमें मैंने 1/2 टीस्पून हनी भी ऐड किया था। मैं अपने गोल्डन मिल्क की रेसिपी आपसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगी। अब बात कर लेते हैं मैंने उस दिन कितनी कैलोरी बर्न करी थी, क्योंकि मैंने उस दिन 11:30 के अराउंड मैंने आपको बताया कि मैंने एक एक्सरसाइज की थी, जिसकी वीडियो मैंने आप लोग के साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है, जिसका लिंक मैं आई कार्ड में और डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। तो मैंने जो कैलोरी बर्न करी थी वो थी अप्रॉक्सीमेट 330, और मैंने जो डिस्टेंस कवर किया था वो था 5.67 किलोमीटर्स, और जो मेरे स्टेप थे वो थे 8890। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, और इसी तरह के और कंटेंट के लिए प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। See you soon with another video. Till then, take care. Bye-bye.